मैं सेल्फ अरुण अग्रवाल, एज 34 ईयर, मैं उड़ीसा बरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मुझे कैटरेक्ट है पिछले 6 मंथ से। कैटरेक्ट की वजह से मेरी आँख धुंधली दिख रही है, मेरे को साफ नहीं दिख रहा है। मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे दिल्ली में जो रोहिणी में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे भी हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत अच्छा है। उनका रेटिंग भी देखा 4.8 है। इसी वजह से मैं यहाँ पे लेटेस्ट सर्जरी भी होती है फेमटो लेजर से, इसलिए मैंने यही जगह सजेस्ट किया है। डॉक्टर राहिल चौधरी के बारे में सुना है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज आपको दिखा रहा हूँ कैटरेक्ट या मोतियाबिंद का जो सबसे लेटेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेज़र का यूज़ करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, और जो लेंस हम पेशेंट की आँख में डाल रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बेस्ट लेंस, क्लैरियन विविटी टॉरिक लेंस, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ समय पहले। एक बहुत ही एडवांस्ड ईडॉफ कैटेगरी का लेंस है जो एल्कॉन ने लॉन्च करा है। अब देखिए, इन पेशेंट की जो स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पेशेंट की उम्र बहुत कम है, सिर्फ 30 साल के हैं पेशेंट, और पेशेंट की आंख में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ गई है। और आपने मेरी कई सारी वीडियोस में ऐसा देखा होगा जहां मैंने बताया है कि ये जो आंख में मोतियाबिंद या कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है, ये यूजुअली लेट उम्र में आती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में आती है। लेकिन इन पेशेंट की आंख में बहुत ही यंग उम्र में आ गई, और उसका कारण ये मिला कि पेशेंट जो है थोड़ा सा स्टेरॉयड की दवाइयां ले रहे थे, और उस स्टेरॉयड की दवाइयों से आंख में साइड इफेक्ट हुआ और आंख में मोतियाबिंद बन गया। देखिए, मोतियाबिंद किसी भी उम्र में आ सकता है, नवजात शिशु में भी आ सकता है, 6 महीने के बच्चे में भी आ सकता है, 1 साल के बच्चे में भी आ सकता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल और लेट स्टेज में भी आ सकता है। जब भी आंख में मोतियाबिंद आएगा, इसका इलाज सिर्फ एक और एक ही है कि एक ऑपरेशन से आंख के अंदर का जो लेंस सफ़ेद हो गया है, जिसमें मोतिया बन गया है, उसको ऑपरेशन से निकाल दो और उसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दो, जिससे लाइट का रास्ता दोबारा साफ हो गया और पेशेंट को दोबारा दिखना शुरू हो जाता है। तो चलिए दिखाता हूँ ये ऑपरेशन हम कर कैसे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा सर? नहीं कुछ। एक बार चश्मा हटा दीजिएगा, नीचे देखो, ऊपर देखो, ठीक। आपके पास रीड करना है, पढ़ो एक बार। यू वी एफ डी ई वी वी एस एफ जेड। गुड। अभी पी ओ वी जेड एच एफ। अभी ई आर एन। हाँ। ओ वी एफ जेड। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बाकी टाइम पे दवाई डालिएगा। मैं गया था एलबी प्रसाद भी गया था, वहाँ पे भुवनेश्वर में कोरा विजन भी गया था, तो वहाँ पे क्या है, लेटेस्ट सर्जरी नहीं था, फेमटो लेजर से मुझे करवाना था, वो वहाँ पे नहीं था, और वहाँ पे जो लेंस के बारे में उतना नहीं बताते थे वो लोग, बस वही फेको सर्जरी में करते थे और मोनोफोकल देखते। यहाँ पे मैंने वीवीटी लेंस चुना है जो कि लेटेस्ट है, एल्कॉन कंपनी का लेंस है, क्लैरियन वीवीटी लेंस, जो कि अभी लेटेस्ट है, जो कि वहाँ पे मेरे को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे भुवनेश्वर में, और वहाँ फेमटो लेजर भी नहीं था, इसलिए मैं से ये जगह चुना। ये लेटेस्ट सर्जरी भी होगा, लेटेस्ट लेंस भी है, सब यहीं पे अच्छा फैसिलिटी है। डॉक्टर राहिल वो जो है वर्ल्ड वाइज फेमस डॉक्टर है, बहुत बहुत बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत सब चीज़ की सुविधा है यहाँ पे,
कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। इतने कम उम्र में मेरे को कैटरेक्ट हो गई है, इसीलिए मैं इतना बड़ा जगह में अच्छे जगह में ऑपरेशन के लिए आया हूँ।